हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। कई बार हमें ट्यूटोरियल बनाने के लिए अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करना होता है, लेकिन काफ़ी सारे लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किस तरीके से कंप्यूटर या लैपटॉप के स्क्रीन को रिकॉर्डिंग किया जाता है। मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप फ्री में अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कई बार ये होता है कि जब भी हम कोई ट्यूटोरियल बनाते हैं तो हम सोचते रहते हैं कि कौन सा हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज करें और मैं यूज करके अपने व्यूअर को कुछ जो ट्यूटोरियल बनाता हूं उसमें मैं समझाऊं। कई बार हम सोचते रहते हैं कि यार हम कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज करें और यूज करके जो भी हम ट्यूटोरियल बनाते हैं वो अपने व्यूअर को कैसे समझाए। मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाएगा जिससे आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट आपको वो ज़्यादातर तो आपको पेड वर्सन मिलेगा, और फ्री वाला मिलेगा तो उसमें आपको वाटर मार्क मिल जाएगा, तो बहुत सारा टेंशन बन जाता है। तो गाइज मैं आपके लिए ऐसा ही एक जो सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ जिससे आप बहुत ही आसानी से आप अपने प्रोजेक्ट के लिए आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और वो है ए पावर सॉफ्ट फ्री स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ये आपका को जो है बिल्कुल फ्री में मिलेगा और आपके जो रिकॉर्डिंग कीजिएगा स्क्रीन का उस पर कोई वाटर मार्क भी नहीं आएगा। तो गाइस मैं आपको इसको चला के दिखाऊंगा और इसमें आपको फुल्ली डिटेल भी बताऊंगा। तो इसके लिए आप यहाँ देख रहे हैं डाउनलोड फ्री वर्जन, इस पर क्लिक करेंगे, ये कुछ ऐड आ जाएगा, इस पर हटा देंगे ऐड को इस तरीके से। यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ 17.4 MB का है, ये सब आपके नेट पर डिपेंड करता है कि आपका नेट है कितना फास्ट काम करता है, उस हिसाब से ये डाउनलोड हो जाता है। तो गाइस देख सकते हैं ये डाउनलोड कंप्लीट है। चलिए इसको हम ओके कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको नजर आएगा। इसको यस कर लेंगे। यस करने के बाद आपके इसको स्टार्ट कर लेंगे। आप इसको लैंग्वेज ही चूज कर सकते हैं, जैसे हम इंग्लिश ही रहने देते हैं। यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ पे आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे, और इसके बाद इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये आपका जो है इंस्टॉलिंग प्रोसेसिंग जारी है। जैसे ये कम्प्लीट हो जाता है मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए ये फिनिशिंग का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ से इसको मैं फिनिश कर लेता हूँ। जैसे ही इसको फिनिश कीजिएगा तो ये जो आपके पास यहाँ पे कुछ आइकन इस तरीके से बन जाएगा, इसको डबल क्लिक कर लीजिए। जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये ओपन होके आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए गाइस कुछ इस तरीके से ये ओपन होके आ जाता है। इसको आप इस तरीके से आगे पीछे करके घसका बढ़ा भी सकते हैं, इस तरीके से आप घसका बढ़ा भी सकते हैं। ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपको ये आगे पीछे होगा। यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन और वेब कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप इसके बाद यहाँ कट करेंगे, यहाँ से आपको सिस्टम साउंड का, माइक्रोफोन का, और सिस्टम साउंड एंड माइक्रोफोन दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग टाइम में सिस्टम साउंड और आप जो भी माइक का यूज़ कर रहे हैं या हेडफोन का यूज़ कर रहे हैं वो दोनों का साउंड हो तो इस पर रहने देंगे। आप चाहते हैं कि सिर्फ माइक का साउंड हो तो इस पर क्लिक करके छोड़ देंगे। अगर आप चाहते हैं सिस्टम का साउंड हो तो आप इस पर क्लिक करके छोड़ देंगे। जैसे हम चाहते हैं कि सिस्टम साउंड और माइक्रोफोन दोनों हो तो इस पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ पे आपको कस्टम का ऑप्शन मिल जाता है, कस्टम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप अगर YouTube के लिए वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको 720 पिक्सल चूज़ कर लेना है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका जो YouTube साइज़ का आकार का हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि हम फुल स्क्रीन अपने लैपटॉप के रिकॉर्ड करें तो सिंपली आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है फुल स्क्रीन का। यहाँ फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे आपके यहाँ पे पूरे कंप्यूटर पर यह अप्लाई हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी दे रखा है हॉट की वगैरह, इस
पर थीटर पर क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग और जनरल सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। पहले रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ पे आप शो काउंटडाउन बिफोर, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आप जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें तो काउंटडाउन हो, तो वो इसके लिए आप यहाँ पर टिक रहने देना, नहीं तो इस तरीके से टिक हटा देना। चलिए हम रहने देते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से काउंटडाउन चलता है। यहाँ पे बीपी अगर आप चाहते हैं कि आप रिकॉर्डिंग जो स्टार्ट करते हैं कोई आवाज़ हो तो इस तरीके से आप कर देंगे, हम नहीं चाहते इसलिए हम बैक कर देंगे। यहाँ शो रिकॉर्डरी जो है रिकॉर्डिंग बार, इस तरीके से आपको कात में रिकॉर्डिंग बार अब शो हो तो इस तरीके से इस पर टिक कर देंगे, नहीं तो इसको अनचेक कर देंगे। अनचेक ही रहने दीजिएगा क्योंकि बेकार लगेगा। यहाँ पे आप चाहते हैं कि शो रिकॉर्डिंग टूल बार, मतलब टूल बार में जो कोई हाईलाइट का जो ऑप्शन आता है जो बताते रहता है जो बहुत सारे यूट्यूबर हाईलाइट करके, तो वो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, इसीलिए मैं इस पर ओके कर देता हूँ। यहाँ वीडियो फॉर्मेट का ऑप्शन है, इसमें आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, जैसे यहाँ पे AVI, MP4, WMV, MOV, FLV, बहुत सारा फॉर्मेट है, तो आप सिर्फ MP4 ही रहने दीजिएगा। इस साइड में आपको एडवांस सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ माउस स्टाइल का है। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है माउस जहाँ पर लेके जाऊँ वहाँ पर कुछ जो हॉट स्पॉट शो हो, तो यहाँ पर शो वाले पर क्लिक करेंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आप हाइड वाले पर कर देंगे, जैसे हम चाहते हैं तो हम यहाँ पर शो वाले पर ही रहने देंगे। इसके बाद ऑडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी आप चूज कर सकते हैं, इसमें आप ऑडियो क्वालिटी क्या चाहते हैं, हाई, स्टैंडर्ड, लो, जैसे मैं हाई चाहता हूं तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहां वीडियो सेटिंग में आपको यहां पे मिल जाता है बिट रेट, फ्रेम रेट और कुछ, तो इस तरीके से आपको यहां पे एज इट इज रहने देना है, इसको आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन आपको यहां पे आ जाता है जनरल सेटिंग का। जनरल सेटिंग में जैसे होता है शॉर्टकट की, तो वो यहां से आप शॉर्टकट की इसमें आप सेटिंग कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं रिकॉर्डिंग जो स्टार्ट हो तो आप क्या चाहते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस चाहते हैं या शिफ्ट करके आप जेड चाहते हैं या जेड के जगह पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, जो भी यहाँ अप्लाई कीजिएगा इस यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। यहाँ पर जैसे मैं वाई अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर वाई अप्लाई हो जाता है, तो इस तरीके से आप जेड वाला शिफ्ट वाला पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, अलर्ट पर कीजिएगा तो कंट्रोल शिफ्ट अलर्ट प्लस वाई करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे हम कंट्रोल प्लस ही रहने देते हैं, कंट्रोल प्लस करके यहाँ पर मैं जेड डाल देता हूँ तो जेड हो जाएगा। इसी तरीके से आप स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, पुश और रिज्यूम कर सकते हैं, शो और हाइड कर सकते हैं, इस तरीके आप सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाता है तो आप कहाँ चाहते हैं कि ये सेव हो, तो इसके लिए यहाँ फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ भी आप सेव करके रखना चाहते हैं वो आप फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से सिंपली आपको ओके कर देना है। इसके बाद ये परफेक्टली तरीके से आपका ओके हो जाता है। जैसे आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से आपका ऑप्शन आएगा और यहाँ पे ओके कर देंगे, ये काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और ये आपका रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुका है। देखिए आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, यहाँ मैं पॉज कर दिया हूँ, मैं ओके कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं पॉज कर दिया हूँ, इस तरीके से आपका जो रिकॉर्डिंग पूरे सिस्टम पर अप्लाई हो जाता है, यहाँ से आपका रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको पॉज कर दिया हूँ। यहाँ पे आप पेंसिल वाला आइकन पर जाइएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। जैसे आप बहुत सारे वीडियो में देखे होइएगा कि यूट्यूबर जब कुछ हाईलाइट करके बताते रहता है, तीर वगैरह डाल के बताते रहता है, तो वो भी आप भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे तीर वाले पे क्लिक करेंगे और जिस पार्ट को भी आप हाईलाइट करना चाहते हैं इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं, इस तरीके से आप भी समझा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्किल का ऑप्शन मिल जाता है, सर्किल पर क्लिक करके सर्किल से आप समझा सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर का ऑप्शन मिल जाता है, स्क्वायर पर डाल के इस तरीके से आप समझा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका कलर चेंज हो तो यहाँ पे रेड वाले पे क्लिक करेंगे हो तो यहाँ रेड वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है जो भी कलर में आप रखना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ जो है ये येलो चूज कर लेता हूँ, इसके बाद सिंपली यहाँ पे ओके कर दूंगा और यहाँ देखिए येलो वाला अप्लाई हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पे तीर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए येलो आ चुका है। इस तरीके से आप कोई भी कलर को यहाँ से जाके आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं और अपने जो व्यूअर है उसको बहुत ही आराम से कोई भी पार्ट को आप समझा सकते हैं। जब भी आप ट्यूटोरियल बनाते हैं या आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं और अपने व्यूअर को कुछ समझाना चाहते हैं तो बहुत ही परफेक्टली तरीके से इस तरीके से आप हाईलाइट करके इस तरीके से आप कोई भी पार्ट को इस तरीके से समझा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बहुत ही शानदार फीचर है। इसके बाद अगर आप इस सबको हटाना है तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ जो ऑप्शन है राइट साइड में इस पर क्लिक करेंगे, टोटल का टोटल गायब हो जाएगा और इस जो टूल्स बार को आप हटाना चाहते हैं इस पर क्लिक कर देंगे, ये हट जाता है। अगर लग रहा है कि आपका जो रिकॉर्डिंग बहुत ही परफेक्टली तरीके से हो चुका है सिंपली, तो आपको इस तरीके से चलता रहेगा। और अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं बहुत मेरा जो है कम्प्लीटली तरीके से जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो चुका है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन है इस पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए आपका ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, इस तरीके से यहाँ से आप बाहर आ जाएंगे
और आपका ये जो भी पाथ चूज किए रहिएगा वहाँ पर जाके इस तरीके से ये सेलेक्ट हो जाता है। तो गाइस ये जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही परफेक्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। आपको ये इसको एक बार यूज़ करना चाहिए, इसमें कोई वाटर मार्क भी नहीं आता है और ये फ्री है। आप बहुत मार्केट में देखे होइएगा, बहुत सारे जो है इसमें ज़्यादातर आपको पेड वर्जन ही मिलेगा, और या तो पेड वर्जन नहीं मिलेगा तो उसमें वाटर मार्क मिल जाएगा। ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है बहुत ही अच्छा, बहुत ही परफेक्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग है और आपके लैपटॉप की शानदार और बहुत ही बढ़िया से स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करता है। तो गाइस अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड आप सबके लिए करते रहता हूँ। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से हम फ्री में अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके नीचे कमेंट कर दीजिए।